जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने आज सुबह वाला जो वीडियो है उसी में कहा था कि शाम को 5 बजे के टाइम जो है वो आपका वीडियो आ जाएगा। तो दिस इज योर वीडियो ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ 2023, जो कि आपका जो आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है 2024 से, और उसके बाद जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, या फिर अगर आप एयरफोर्स भी दे रहे हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करता हूँ व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान ये किसमें मिलता है? ये लिटरेचर में मिलता है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीनों आपका लिटरेचर में ही मिलता है। ठीक है, तो व्यास सम्मान का जो जिन जिन्हें मिला है वो है ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान है इनके पास तो व्यास सम्मान तो मिलेगा ही। ज्ञान चतुर्वेदी, ये व्यास सम्मान की पिक्चर है। ठीक है, ये सरस्वती सम्मान की है और ये ज्ञानपीठ अवार्ड की है। तो व्यास सम्मान किन्हें मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान है तो इसलिए व्यास सम्मान मिलेगा। फिर सरस्वती सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान जो है वो शिवा शंकरी की है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? शिवा यानी जो महादेव है उनकी बेटी होती है सरस्वती, तो सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? दामोदर माउजो, दामोदर माउजो। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है? दामोदर माउजो। ठीक है, तो व्यास सम्मान, ज्ञान चतुर्वेदी, सरस्वती सम्मान, शिवा शंकरी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो। फोर्थ असम वैभव सम्मान, असम वैभव सम्मान ये किसे मिला है? तपन साइकिया, तपन साइकिया। असम वैभव सम्मान ये किसे मिला है? तपन साइकिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मार्कोनी, मार्कोनी प्राइज किसे मिला है? मार्कोनी प्राइज ये मिला है, भारत का है, इंडियन ओरिजिन, हरि बाला कृष्णन, हरि बाला कृष्णन। मार्कोनी प्राइज किसे मिला है? हरि बाला कृष्णन। तो आप एक बार फिर मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को मिला है, असम वैभव सम्मान तपन साइकिया को मिला है, और मार्कोनी प्राइज जो है वो हरि बाला कृष्णन को मिला है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करूं तो ये 1972 में लॉन्च हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 1973 में टाइगर एक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। और 1986 में जो है वहाँ वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। 2009 की बात करूं तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया था इसलिए मैंने कह दिया। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट अवार्ड जो है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किन्हें मिला है? आलिया मीर, आलिया मीर जो है ये कश्मीर की है। ठीक है, आलिया मीर जो है वो कश्मीर की है और इन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, फिर है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को पीस प्राइज किन्हें मिला है? एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अगर मैं यूनिसेफ की बात करूँ, यूनिसेफ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को पीस प्राइज किन्हें मिला है? एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल। फिर है गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज किन्हें मिला है? गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर, गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर, गांधी पीस प्राइज। और गांधी जी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, इसे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे से भी मनाया जाता है। और हमारे जो नोट नोट है ना, जो पैसा है 10 का नोट, 20 का नोट, 30 का नोट, जिसमें भी है उनमें जो गांधी जी का जो पिक्चर होता है तो ये 1969 से दिया जाता है। नोटों पे गांधी जी का जो तस्वीर है वो 1969 से दिया जाता है। और 1969 में और क्या होता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, फिर जर्मन पीस प्राइज, जर्मन पीस प्राइज की बात करूं तो ये किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी काफी फेमस राइटर है, इनकी लिखी हुई काफी किताब है जो एसएससी में आती है। जैसा एक है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये गाली नहीं है। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन। फिर है आपका सतनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, सतनिक वर्सेस, ये सब जो किताब है ये सलमान रुश्दी का है। ठीक है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड ये किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड, डेविड चिपरफील्ड को ये अवार्ड मिला है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, डेविड चिपरफील्ड। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किन्हें मिला है? आलिया मीर जो कि कश्मीर की है। यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है? एंजेला मार्केल। ठीक है, गांधी पीस प्राइज किसे मिला है? गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर। जर्मन पीस प्राइज किन्हें मिला है? सलमान रुश्दी जी को। और प्रिट्जकर आर्किटेक्चर जो अवार्ड है ये किसे मिला है? तो ये डेविड चिपरफील्ड को मिला है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। रेमोन मैक्सेसे अवार्ड, ये जो है रेमोन मैक्सेसे अवार्ड ये किसे मिला है? तो रेमोन मैक्सेसे अवार्ड जो है ये इस बार 4 जन को मिला है। एक है कोर्वी रक्षंद,
कोरवी रक्षण, सेकंड पर्सन है रवि कन्नन, थर्ड पर्सन है यूजिनियो लेमोश, और फोर्थ पर्सन जो है वो है मिरियम कॉर्नेल फेरार। फर्स्ट पर्सन कोरवी रक्षण, फिर है रवि कन्नन, फिर है यूजिनियो लेमोश, और लास्ट जो है वो है मिरियम कॉर्नेल फेरार। रेमन मैग्सेसे को टोटल इस बार 4 जन को मिला है। फिर से कह रहा हूँ, कोरवी रक्षंत, रवि कन्नन, यूजेनियो लेमोस, मिरियम कॉर्नेल फेरार। सबसे पहला जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो 1958 में दिया गया था। 1958 में दिया गया था, किसे मिला था ये? विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये किसे मिला था? ये आशा भोसले जी को मिला है। ये आप देख सकते हैं, सोंदा बेलाय तुम्हें आमी बोसे ऐसी दुजन है, ये इनका फेमस बंगाली सॉन्ग है। ठीक है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये किसे किसे मिला है? आशा भोसले जी को मिला है। सागर श्रेष्ठ सम्मान, सागर श्रेष्ठ सम्मान ये किस पोर्ट को दिया गया है? तो ये कोचीन पोर्ट को दिया गया है। कोचीन पोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड की बात करूं तो वो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड की बात करूं तो वो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को मिला है। ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट? ये है केरला का। कहाँ का है? केरला। ठीक है, लास्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये 2005 से दिया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये 2005 से दिया जाता है। मैन बुकर प्राइज वो अलग है, ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो 2005 से दिया जाता है, और इस साल जिसको मिला है वो है जॉर्जी गॉस्पिडोनोव। ये उनकी तस्वीर है, जॉर्जी गॉस्पिडोनोव, और इनकी जो लिखी हुई किताब है इस किताब के लिए इनको मिला है, जिसका नाम है टाइम सेटलर। टाइम सेटलर, ठीक है, टाइम सेटलर। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 से दिया जाता है, इस बार जिसे मिला है वो है जॉर्जी गॉस्पिडोनोव। ठीक है, और इसे इन्हें किन किताब के लिए मिला है? तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी तस्वीर है। टाइम सेटलर किताब के लिए इन्हें मिला है। तो फिर से मैं कह देता हूँ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड टोटल 4 जन को मिला है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड टोटल 4 जन को मिला है, कोरवी रक्षंत, कोरवी रक्षंत, रवि कन्नन, ठीक है, यूजिनियो लेमोश, मिरियम कॉर्नर फेरार। सबसे पहला विनोबा भावे जी को मिला था 1958 में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? आशा भोसले को। ठीक है, सागर श्रेष्ठ सम्मान, सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है, सागर श्रेष्ठ सम्मान ये किसे मिला है? तो कोचीन पोर्ट। ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड की बात करूँ तो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूँ तो 2005 से इसे स्टार्ट किया गया था, और इस बार जिसे मिला है वो है जॉर्जी गॉस्पिडोनोव, जिसे टाइम सेटलर किताब के लिए ये सम्मान दिया गया। ठीक है, तो आज का बस ये वीडियो इतना ही है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 भी लाने, जिसमें और कुछ जो इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स है उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर कॉमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।